शिवपुरी जिले के पूरी में शुक्रवार को कॉलेज के पास से शराब दुकान हटाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी के बैनर तले छात्र छात्राओं ने कॉलेज कैंपस से राज्य मंत्री के निवास तक रैली निकालकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर पोहरी विधायक और मध्य प्रदेश शासन में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा को अपनी समस्याएं बताई। इन समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन राज्य मंत्री को सौंपा है। शराब की दुकान हटाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। एलएसजी कॉलेज पोहरी के छात्र छात्राओं ने राज्य मंत्री को कॉलेज के पास से शराब की दुकान हटाने, कॉलेज परिसर और ग्राउंड की साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, कॉलेज के बाउंड्री वॉल और शैक्षणिक स्टाफ की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। छात्र छात्राओं ने राज्य मंत्री को बताया कि कॉलेज में साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कॉलेज में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण और कॉलेज के पास से शराब की दुकान होने की वजह से असामाजिक तत्व कॉलेज के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे कॉलेज की छात्राओं को हमेशा सुरक्षा का भय बना रहता है। वहीं कॉलेज में पिछले 2 वर्ष से स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित होने के बाद भी प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिस कारण छात्र छात्राओं को पढ़ाई में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, आज स्थानीय महाविद्यालय के छात्र छात्रा आपके पास पहुँचे हैं, कुछ मांगे हैं उनकी, क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अभी सभी मेरे छात्र छात्रा मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को मांग पत्र दिया और उन्होंने 6 दिनों का एक ज्ञापन मेरे को दिया। 6 में से 4 मांग उनकी ऐसी जायज हैं कि इनको मैं 8 दिन में पूरी करूँगा। एक तो उन्होंने दिया कि कॉलेज की सफाई होना चाहिए, मैंने तत्काल CMO को ऑर्डर किया और 1 घंटे के अंदर वहाँ हमारे सफाई करने पहुँच जाएंगे और कॉलेज की मैं सफाई करवाऊँगा। दूसरा बिंदु उन्होंने दिया मेरे को, तो पास में ही शराब की दुकान है, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरी बात हो नहीं पाई, तत्काल में बात करके और दुकान को भी वहाँ से भी चेंज कराने का बच्चों को मैंने आश्वासन दिया, मैं दुकान भी चेंज वहाँ से करा। तीसरी एक दिक्कत है उनके पेयजल की, उसके लिए मैं CMO से बात कर ली और 15 दिन का उन्होंने मेरे को समय दिया, क्योंकि PIC को मीटिंग बुलाएंगे, उसमें वो पास करेंगे और फिर उसका टेंडर डालेंगे, तो 15-20 दिन उसमें लगते हैं, तो 20 दिन के बाद मैं बेटियों के लिए बाटी पूरी व्यवस्था करके दूंगा। चौथी एक स्टाफ की बहुत बड़ी मांग है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, उसके लिए मैं तत्काल लेटर लिखा रहा हूँ और मैं तत्काल हमारे मंत्री मोहन सिंह यादव जी से मिलूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे मंत्री पर, तो तत्काल मेरी मांग को मानेंगे और स्टाफ की पूर्ति भी मैं कॉलेज के लिए मैं करूँगा। और दो मांगें और हैं उनकी, उन पर भी मैं लेटर लिख रहा हूँ और विचार करूँगा और जल्दी से जल्दी मैं अपने क्षेत्र की पूरी मांगों को स्वीकृत करूँगा।